लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुरुचि की इच्छा का सम्मान करना पड़ता है। गर्भवती सुनीति की दयनीय दशा देखकर शनिदेव और अधिक प्रसन्न होते हैं। मुखरी का संकेत पाकर प्रसन्न सुरुचि शनिदेव की आराधना प्रारंभ करने का निश्चय करती है। खैरिये साधु महाराज, आप भीतर कहाँ जा रहे हैं? वन बाला, हम तुम्हारे स्वामिनी सुनीति को अपने दिव्य दर्शनों से धन्य करने आए हैं। हमारे दिव्य दर्शनों से उनके कष्टों का अंत होगा। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। सुखिया माई, ये दोनों साधु स्वामिनी से मिलने के इच्छुक हैं। क्षमा साधु महाराज,
इस समय बिटिया रानी सुनीति अपने आराध्य भगवान विष्णु की आराधना में व्यस्त हैं। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। जय जय शनिदेव। मूर्ख स्त्री, तू हमारी शक्तियों से अपरिचित है, इसी कारण हमसे प्रतीक्षा का निवेदन कर रही है। हम अपनी इच्छा से यहाँ प्रकट हुए हैं और अपनी इच्छा से तुम्हारी स्वामिनी सुनीति को अपने दर्शन देकर धन्य करेंगे। जय जय शनिदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय शनिदेव। साधु महाराज, कौन है आप दोनों और आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? जय जय शनिदेव। महारानी सुनीति, हम तुम्हारे हित चिंतक हैं। शनिदेव की आज्ञा पाकर ही हम यहाँ तुम पर कृपा करने पधारे हैं। शनिदेव की आज्ञा? कैसी आज्ञा? यदि तू अपने कष्टों का अंत करने की इच्छुक है तो भगवान विष्णु की आराधना बंद कर और हमारे परम आराध्य परम शक्ति संपन्न शनिदेव की आराधना कर, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। हमारी बात पर चकित व स्तब्ध होकर तुम हमारा ही नहीं अपितु शनिदेव का भी अपमान कर रही हो सुनीति। हमें भली भांति ज्ञात है कि कुछ समय पूर्व तक तुम कंपिला की पटरानी थी, किंतु अब नहीं। जय जय शनिदेव। तुम्हारे पति उत्तानपाद ने विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव की उपेक्षा की, जिसका परिणाम है कि तुम और तुम्हारा परिवार भयानक संकट और कष्टों से घिर गया है। हमें ज्ञात है सुनीति कि तुम अपने पति की प्रिय थी, किंतु तुम्हें ज्ञात होते हुए भी उत्तानपाद का दूसरा विवाह करवाकर स्वयं को संकट में धकेल दिया। जय जय शनिदेव। शनिदेव की उपेक्षा का परिणाम तुम्हारे सर्वनाश की भूमिका रच देगा। इस कारण विष्णु भक्ति को त्याग कर और पूर्ण समर्पण के साथ शनिदेव की आराधना कर। साधु महाराज, मुझे क्षमा करें, मेरे कुल के एकमात्र आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। उनकी भक्ति को छोड़कर मैं किसी अन्य की आराधना की कल्पना भी नहीं कर सकती। मूर्ख स्त्री, तू क्यों अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रही है? शनिदेव का क्रोध व उपेक्षा तेरे सौभाग्य को कलंकित कर देगी। तेरे दुर्भाग्य की काली छाया से तेरा जन्म लेने वाला बालक भी वंचित नहीं रह पाएगा। शनिदेव की कुदृष्टि के भयंकर प्रकोप से तेरे बालक का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। यदि इसी क्षण से तूने शनिदेव की आराधना प्रारंभ नहीं की तो संसार की कोई भी शक्ति विनाश से तेरी रक्षा नहीं कर पाएगी। जय जय शनिदेव। बिटिया रानी, बिटिया रानी, वो दोनों साधु चमत्कारी थे। शनिदेव के भक्तों का तिरस्कार करके तुमने उचित नहीं किया। मुझे भगवान विष्णु की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि शनिदेव मनुवंश के शत्रु हैं और वे दोनों शनिदेव का प्रोत्साहन पाकर ही मुझे भ्रमित करने आए थे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ शनि देवाय नमः। 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 हे शनिदेव,
मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करो शनिदेव। आपकी कृपा सदा ही मुझ पर रहे। मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें शनिदेव। ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः। रानी सुरुचि कहाँ है? तुम सब ने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। कहाँ है पटरानी? क्षमा महाराज, हमें पटरानी जी के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। अर्थात? अर्थात वे कहाँ गई हैं? इसका हमें ज्ञान नहीं है महाराज। प्रतिहारी! आज्ञा महाराज। पटरानी सुरुचि कहाँ गई हैं? मध्याह्न के पश्चात वे अपने प्रिय दासी मुखरी के साथ गई हैं, किंतु कहां मुझे इसका ज्ञान नहीं। मुझे क्षमा करें महाराज। महामंत्री सुदत्त को शीघ्र हमारी सेवा में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ओम शनि देवाय नमः, 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 ओम शनि देवाय नमः। जय 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 ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः। अपने भक्तों पर कृपा करें शनिदेव, हमें दर्शन दे शनिदेव, हमें दर्शन दे, हमें दर्शन दे शनिदेव, हमें दर्शन दे शनिदेव। हमारे आवाहन का क्या कारण है? क्षमा स्वामी, क्षमा, हम आपके परम पावन दर्शन के अभिलाषी थे शनिदेव। वो दिन दूर नहीं ढैया जब सारा संसार हमारे परम पावन दर्शन के लिए इसी प्रकार आह्वान करेगा, तब भागवत भक्ति के स्थान पर शनि भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। धन्य धन्य, कितना सुंदर दिन होगा वह शनिदेव, जब संसार का हर प्राणी भाग्य विधाता शनिदेव के चरणों में शरणागत हो जाएगा। किंतु स्वामी। किंतु क्या ढैया? अपनी बात शीघ्र कहो दुष्टों। स्वामी, हम वन भवन में रहने वाली उत्तानपाद की प्रथम पत्नी सुनीति को आपकी आराधना के लिए प्रेरित करने में असफल रहे। क्या कहा उस अभागन ने? स्वामी, वह अपने कुल के आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु की आराधना का त्याग करने के लिए प्रस्तुत नहीं। उसकी मति मारी गई है क्या? उसे हमारी शक्ति का भली भांति ज्ञात है। हमने उसके सौभाग्य में अपनी विध्वंसक शक्ति से दुर्भाग्य का अंधकार छा दिया, और अभी भी उसे विष्णु भक्ति पर विश्वास है। हाँ स्वामी, उसने आपका तिरस्कार और उपेक्षा की। सत्य कहते संकोच लगता है स्वामी। तुम निसंकोच कहो ढैया। स्वामी, विष्णु भक्ति सुनीति के दुस्साहस ने आपके अपमान का दुष्कर्म भी किया है।
स्वामी, हम स्वयं आपसे प्राप्त विध्वंसक शक्तियों से उसे दंडित कर सकते थे, किंतु आपकी आज्ञा न होने के कारण हम विवश थे। इसी कारण स्वामी हमने आपका आह्वान किया। स्वामी, वो अभागन सुनीति अपनी दुष्टता के कारण आपके दंड की पात्र बन गई है। विष्णु भक्ति में लगे सुनीति के विश्वास को खंडित करना अब हमारा परम कर्तव्य है, किंतु उसके पूर्व हम अपनी परम आराधिका सुरुचि के आह्वान का उत्तर देंगे। जय जय शनिदेव। ओम शनि देवाय नमः। 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 शनि देवाय नमः। परम शनि भक्तिन सुरुचि। शनिदेव, तुम्हारे कामना के स्वर हम तक पहुंच गए हैं। कहो, क्या कामना है तुम्हारी? शनिदेव, मेरे सम्मान की रक्षा करें। शनिदेव, मुझे अपनी सौत सुनीति से भय हो रहा है। उसकी मुझसे पूर्व यदि गर्भवती होने की सूचना महाराज और कपिला की प्रजा तक पहुंच गई, तो अनर्थ हो जाएगा। शनिदेव, वो सब मेरा सर्वनाश कर डालेंगे और मेरी मनोकामनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। मेरी रक्षा करें शनिदेव, मेरी रक्षा करें। सुरुचि, शनिदेव के भक्तों की मनोकामनाएं कभी अपूर्ण नहीं रहती। मैं इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं हूँ। शनिदेव, आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। आपके प्रहार से देव दानव मानव कोई नहीं बच सकता। शनिदेव, आपकी विध्वंसक विनाशक और भयानक क्रूर दृष्टि संसार का सबसे बड़ा दिव्य अस्त्र है। मेरे सम्मान की रक्षा के लिए सुनीति पर आप अपनी कुदृष्टि का उपयोग करें। मेरी रक्षा करें शनिदेव। यदि आपने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं यही अपने प्राण आपके चरणों में त्याग दूंगी। मैं अभागन सुनीति की उत्तंडता के विषय में सुन चुका हूँ सुनीति, किंतु तुम निश्चिंत रहो, मैं शीघ्र ही उसे दंडित करूंगा। मेरा क्रोध उसके सौभाग्य को ही नहीं, उसके जन्म लेने वाले बालक के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। पटरानी सुरुचि, कहाँ है आप? पटरानी सुरुचि, कहाँ है आप? पटरानी सुरुचि, कहाँ है आप? पटरानी सुरुचि, पटरानी सुरुचि। महाराज, महाराज, पटरानी सुरुचि, हमें बिना बताए आप यहाँ क्यों चली आई? उद्यान के निर्जन प्रदेश में क्या कर रही हैं आप? महाराज, मुझे बहुत भय लग रहा है। महाराज, मुझे बहुत भय लग रहा है। कैसा भय पटरानी? महाराज, कंपिला के होने वाले युवराज के प्राण संकट में हैं। ये तुम क्या कह रही हो पटरानी? हाँ महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ। मुझे प्रतीत हो रहा है कि कहे पटरानी, कहे कि कोई हमारे युवराज को अपनी तंत्र साधन से समाप्त करने के इच्छुक है। इसी कारण मैं इस गुप्त क्षेत्र में विध्वंसक विनाशक और भयानक शक्ति के अधिष्ठाता शनिदेव की आराधना कर रही थी। देखा तुमने मेरे उपेक्षा का दुष्परिणाम। मैंने तुम्हारे कुल के सुख शांति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये तुमने क्या किया पटरानी? सृष्टि के प्रथम दिन से बनु वंश सृष्टि के पालक जगदीश्वर भगवान विष्णु का ही आराधक है।
हमारे कुल में हर देवता का आदर होता है। किंतु किसी अन्य देवता की आराधना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं वत्स कन्या हूँ महाराज, हमें वही परंपरा प्रिय है जो हमने अपने माता पिता को करते देखी। वत्स राज कन्या सुरुचि, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा कन्यादान मुझे कर दिया था। कन्यादान से मेरा स्वभाव तो नहीं परिवर्तित हो सकता, मेरी परंपरा तो नहीं परिवर्तित हो सकती, मेरा विश्वास तो नहीं टूट सकता। आपको ज्ञात है स्वामी, आज मैं कंपिला की पटरानी और आपकी पत्नी हूँ, तो शनिदेव की कृपा से। नहीं, सत्य को सुनकर इतने उत्तेजित ना हो महाराज। देवी सुनीति के प्रस्ताव को तो मैं किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं करती, किंतु शनिदेव ने मुझे आपसे विवाह करने के लिए प्रेरित किया। शनिदेव! मनन है कृतिकार का, तप ही साधन, तप ही कारण, जीव के उद्धार का, व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। ज्ञान की से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की, व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।